जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेरा। आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। अगर अब तक आपने पीछे के पार्ट नहीं सुने हैं तो प्लीज़ उनको प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं या ऊपर आई बटन पे भी जाके सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। पॉइंट 11, पिछली गलतियों से सीख ना लेना, नॉट लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। एक इंसान संकोच करता है हीन भावना की वजह से, और दूसरा गलतियां करने के लिए संकोच नहीं करता हीन भावना की ही वजह से। हेनरी सी लिंक। इतिहास से सबक ना लेने वाले लोग नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारा नजरिया सही है तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। असफलता सफर का अंत नहीं, महज भटकाव होती है। यह देर की वजह बन सकती है, हार की नहीं। सच बात तो यह है कि अपनी गलतियों से हमें तजर्बा हासिल होता है। कुछ लोग सीखते हुए जीते हैं और कुछ लोग केवल जीते हैं। अकलमंद लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, अधिक अकलमंद लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। हमारी जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती कि हम केवल अपनी गलतियों से सीखते रहें। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। पॉइंट 12, अवसर को ना पहचान पाना, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटीज। अवसर बाधाओं का रूप धरकर भी आ सकता है, इसलिए बहुत सारे लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। याद रखिए, बाधा जितनी बड़ी होगी अवसर भी उतना ही बड़ा होगा। पॉइंट 13, डर यानी फियर। डर वास्तविक हो सकता है और काल्पनिक भी। डरा हुआ इंसान अटपटे काम करता है। डर की बुनियादी वजह ना समझी होती है। डर कर जीना भावनाओं की कैद में जीने के समान है। डर असुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास की कमी और बहानेबाजी की आदत को जन्म देता है। यह हमारी क्षमता और योग्यता को नष्ट कर देता है। डरा हुआ इंसान स्पष्ट ढंग से सोच नहीं पाता। डर रिश्तों और सेहत को नष्ट कर देता है। डर की कुछ आम वजह ये हैं, जैसे असफलता का डर, जैसे कुछ अनचाही चीजों का डर, जैसे तैयारी ना होने का डर, जैसे गलत फैसला लेने का डर, जैसे अस्वीकार किए जाने का डर। कुछ तरह के डरों को बयान किया जा सकता है, जबकि कई प्रकार के डर केवल महसूस किए जा सकते हैं। डर इंसान को बेचैन कर देता है, जिसकी वजह से इंसान बेतुकी बातें सोचने लगता है। नतीजे के तौर पर समस्याएं हल करने की उसकी क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। आमतौर पर लोग डर से दूर भागते हैं। भागने से हमें राहत मिलती है और कुछ देर के लिए डर का असर कम हो जाता है, लेकिन डर की वजह बरकरार रहती है। कई बार बेबुनियाद डर हमारी समस्याओं को बढ़ा देता है। काबू से बाहर हो जाने पर डर हमारी खुशियां और रिश्तों को नष्ट कर देता है। डर को एक ऐसा झूठ मानिए जो हमें सच लगता है। असफलता से भी अधिक बुरा असफलता का डर होता है। आदमी के साथ घटित होने वाली सबसे बुरी चीज असफलता नहीं होती। कोशिश ना करने वाले लोग प्रयत्न करने से पहले ही असफल हो जाते हैं। अरे, अभी तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। बच्चे जब चलना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं, लेकिन उनके लिए वह असफलता नहीं बल्कि सीख होती है। अगर वे मायूस हो जाएं तो कभी चल नहीं पाएंगे। घुटने के बल बैठकर डरी हुई जिंदगी जीने से अपने पैरों पर खड़ा होकर मरना ज्यादा बेहतर होता है। अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा पॉइंट 14, प्रतिभा का उपयोग ना कर पाना, और पॉइंट 15, अनुशासन की कमी। धन्यवाद। अगर आपको ये बुक फ्री में चाहिए तो हमारे पेज पर DM कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और
बुक की प्लेलिस्ट के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। फ्री बुक हब सुनने के लिए धन्यवाद।